गाजीपुर में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर गाजीपुर के राइफल क्लब में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां साथ ही प्रदर्शनी में सभी सरकारी विभागों ने शिरकत की। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई और स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से जिले के शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। अवसर पर इस गाजीपुर के लोगों को और गाजीपुर के धरती की तरफ से मैं प्रदेश और देश को सत्ता की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और मुझे गर्व है कि आज गाजीपुर धरती में ऐसे समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला जिस गाजीपुर के धरती के बड़े पैमाने पे लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी आज़ादी के बाद भी सरहद की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नौजवान आज सरहद पर खड़े होकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, इस अवसर पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, गाजीपुर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी लगा हुआ था, आपने सूचना विभाग तमाम निरीक्षण किया, क्या पाया क्या बताया? देखिए, अभी जो वन डिस्ट्रिक्ट, ये तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद इस पूरे प्रदेश में जिस जिले के बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते थे कोई जान पहचान नहीं होता था, तब उन्होंने एक स्कीम लाया कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे जो जूट का काम होता है, कहीं पे भदोही में कालीन का काम होता है, मऊ में साड़ी का काम होता है, इस तरीके से पूरे प्रदेश में आगरा में जूते का काम होता है, एक